वेलकम टू आर्ट का तड़का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल आर्ट का तड़का। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा कुशन कवर डिज़ाइन, जिसको मैं अपने 4-6 कलर लगभग यूज़ करके बनाने वाली हूँ। ये हमारे है जो कुछ ब्रश हैं, तो आइए डिज़ाइन को शुरू करते हैं और पेंट और ब्रश के बारे में मैं बताती जाऊंगी। तो दोस्तों, ये हमारा जो लीफ है डिज़ाइन का, इसको मैंने 3 कलर में बनाया है, वाइट, डार्क ग्रीन और सेप ग्रीन से। 3 कलर को मिक्स करके मैंने अपने डिज़ाइन के लीफ को बनाया है। अब ब्रश जो है दोस्तों, मैंने 4-5 ब्रश आप लोगों को दिखाया था, तो क्या है कि मुझको जैसा इजी लगेगा और जब जिसकी ज़रूरत महसूस होगी मैं वो ब्रश यूज़ करूँगी, क्योंकि इसमें क्या है कि छोटा बड़ा हर तरह का नुकीला और पत्तियाँ जो हैं छोटी बड़ी सी हैं, तो मैं मुझको जैसा अपना इजी लगेगा मैं वो ब्रश यूज़ करने वाली हूँ। तो ये ब्रश मेरा राउंड ब्रश है, तो इसको मैंने अभी बड़ी पत्तियाँ हैं कुछ, तो इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। तो दोस्तों, वाइट को मैंने एक साइड से फिल करके, उसके बाद सेप ग्रीन और उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा डार्क ग्रीन देकर मैंने अपनी लीफ को थोड़े हल्के हाथों से मिक्स करके पूरा किया है। देखिए, इसमें मैंने नीचे से वाइट दिया है, ऊपर से बीच में थोड़ा सा सेप ग्रीन और ऊपर से थोड़ा सा डार्क ग्रीन देकर मैंने इसको मिक्स करके अपने लीफ को पूरा किया है। इसमें दोस्तों क्या है कि एक साइड से आपको पेंट को है जो मिक्स नहीं करना है, जैसे मैंने और किसी वीडियो में बता रखा है कि एक साइड से वाइट और डार्क दें, तो इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। आपका जिधर से जो मर्ज़ी हो उधर से आप डार्क, वाइट और सेप ग्रीन देकर, लेकिन हाँ ये याद रखें कि वाइट के बाद सेप ग्रीन हो और उसके बाद डार्क ग्रीन हो। तो इस तरह से करके आप अपने मिक्स करके हल्के हाथों से अपने डिज़ाइन के लीफ को बनाएं। तीन कलर में देकर मैंने अपने डिज़ाइन के लीफ को बनाया है। देखिए, एक साइड से वाइट दिया, बीच में सेप ग्रीन को फील करके मिक्स किया और ऊपर से डार्क ग्रीन थोड़ा सा देकर, बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन जो है बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो आपकी पूरी पत्तियाँ ग्रीन हो जाएंगी, तो इसलिए बस थोड़ा सा ही लेकर ऊपर से सिर्फ डार्क करना है। तो हमारी पत्तियाँ बन गई दोस्तों। डिज़ाइन का जो हमारा फ्लावर है, ये थोड़ा अलग तरह का डिज़ाइन का फ्लावर जो है, ये बनने के बाद बहुत प्यारा लग रहा है। इसको भी बनाने के लिए मैंने 3 कलर ही यूज़ किए हैं, वाइट, पिंक और पर्पल। मैंने ऊपर से पहले वाइट को अपने पंखुड़ी में पहले वाइट को ऊपर से फिल किया है, नीचे से पिंक देकर, और डार्क करने के लिए मैंने नीचे से थोड़ा सा, बस ज़रा ज़रा सा पर्पल को यूज़ किया है। ये हमारी मुड़ी हुई जो पत्ती है, पहली पंखुड़ी का मुड़ी हुई जो पत्ती है, तो उसको मैंने पेन ब्रश से, देखिए मेरा ब्रश यहाँ पे बदल चुका है, ये पेन ब्रश है, क्योंकि यहाँ पे मुड़ी हुई जो डिज़ाइन दिखाना है हमको, कर्व जो पत्ती का जो मुड़ा हुआ हिस्सा है उसको मुझको पेंट करना है, तो उसको मैंने पेन ब्रश की हेल्प से किया है, क्योंकि ये छोटी सी थोड़ी सी पत्ती थी, इसलिए इसी तरह ये पत्ती भी छोटी सी है, तो इसको भी मैंने पेन ब्रश की ही हेल्प से बनाया है। ऊपर से वाइट फिल करके और फिर पिंक देना है, दोनों को बीच में थोड़ा सा मिक्स करना है, और पर्पल देकर नीचे से बिल्कुल जहाँ से हमारी पत्तियाँ नीचे से दिखाता है कि जुड़ा हुआ है, वहाँ से आपको थोड़ा सा पर्पल देकर और मिक्स कर देना है, बस थोड़े से। यहाँ पर ये पत्ती भी मुड़ा हुआ शेप में है, तो इसको हम थोड़ा सा वाइट ऊपर में वाइट देकर और नीचे से बस ज़रा सा हल्का सा पर्पल देकर इसको हम मिक्स कर देंगे।
बीच वाला जो ये पत्ती का पंखुड़ी है डिज़ाइन का, तो इसको हम ऊपर और नीचे से हल थोड़ा थोड़ा, बीच में तो वाइट रहेगा, उसके बाद ऊपर और नीचे से थोड़ा थोड़ा सा पिंक देकर और पर्पल देकर फिर उसको हमको ऊपर और नीचे से ही हमें शेडिंग करना है, मिक्सिंग करना है ये बीच वाली पत्ती के लिए। और ये जो पंखुड़ी है इसको नीचे से हम पर्पल देकर डार्क करेंगे। देखिए पिंक और वाइट को तो ऊपर और नीचे से मिक्स किया है, लेकिन पर्पल वाले को हम नीचे से देते हुए डार्क करेंगे। देखिए वाइट को मैं पहले मैंने उसको फिल किया है, वाइट को फिल करते हुए मैं नहीं दिखा रही हूँ दोस्तों, इसलिए कि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसके वजह से मैं बस बता रही हूँ कि वाइट लगाना है और जो कलर का शेडिंग करना है उसको मैं करके दिखा रही हूँ आप लोगों के सामने, तो आप लोग भी ऐसे ही बनाएं। देखिए ऊपर से वाइट देकर मैंने फिर पिंक को थोड़ा सा मिक्स किया है, उसके बाद नीचे से डार्क करने के लिए मैंने पर्पल को दिया है। यहाँ से चूंकि हमारी पत्तियाँ जो हैं मुड़ी हुई हैं थोड़ा सा, इसलिए वहाँ पे पत्तियों के नीचे जहाँ जो पत्तियाँ हमारी मुड़ी हुई हैं उसके नीचे हमें थोड़ा सा डार्क करना है, ताकि वहाँ से डार्क महसूस हो और देखने में लगे हमें कि वहाँ से हमारी पत्तियाँ हैं जो मुड़ी हुई हैं। तो देखिए इसको मैं पेन ब्रश की हेल्प से बना रही हूँ। अपने लीफ को बनाने के बाद पहले हम उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जब वो ड्राई हो जाए तो उसमें हम अपने लीफ के रेशे जो होते हैं बारीक बारीक से उसको दे सकें, तो डिज़ाइन बना लें पहले। तो हमारा पहला डिज़ाइन तो तैयार है, दूसरा डिज़ाइन का दूसरा फ्लावर जो है उसको मैंने ऊपर से वाइट दिया है, नीचे से देखिए जैसे कि मैं वीडियो में बना रही हूँ वैसा ही बिल्कुल आप करने की कोशिश करें। ऊपर से वाइट देकर मैंने पहले पिंक को देकर थोड़ा सा शेडिंग किया है, मैंने मिक्स किया है, और उसके बाद पर्पल हल्का सा देकर हल्के हाथों से मैंने शेडिंग की है उसमें। नीचे से ब्रश को ऊपर ही ले जाएं, पहले पिंक को देकर नीचे ऊपर थोड़ा सा ब्रश को नीचे से ऊपर ले जाते हुए थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करें, और उसके बाद पर्पल देकर उसको डार्क करें। और पता है दोस्तों वो क्या है कि देखने में तो थोड़ी दिक्कत लगती है कि हाँ ये बनाने में थोड़ी परेशानी है, लेकिन जब पेंट और ब्रश उठाओ तो फिर अपने आप समझ में आते चला जाता है। आप लोग अगर पेंट करेंगे तो वो थोड़ी बहुत शुरू में तो गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं, उससे घबराना नहीं है और कोशिश करते जाना है और आप बनाए। शुरू में तो थोड़ी बहुत परेशानी लगेगी आपको, गलतियां भी होंगी, लेकिन जब आप बनाएंगे तो फिर धीरे धीरे अपने आप आइडिया होता चला जाता है कि हमें किधर से ब्रश घुमाना है और किधर से हमें मिक्सिंग करनी है, तो आप लोग इजली बना लेंगे। तो हमारे जो डिज़ाइन है उसके फ्लावर तो बन चुके हैं। देखिए अब पत्तियों में हम उनके जो रेशे हैं उसको देंगे पेन ब्रश के हेल्प से, और वाइट पेंट से मैंने दिया है, अब बिल्कुल बारीक बारीक से देना है, ब्रश को दबा कर नहीं करना है, हल्के एकदम बिल्कुल उसके नोक से, ब्रश के नोक को एकदम यूज़ करना है और बस हल्का हल्का सा उसका जो पत्तियों में रेशे होते हैं उसको देने हैं। दोस्तों ये वीडियो, ये डिज़ाइन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो प्लीज़ आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।